19 मई 2023 बन रहा है एक अद्भुत संयोग। इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या है और साथ में शनि जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। इस प्रकार के शुभ संयोगों में यदि हम श्रद्धा और विश्वास से कोई उपाय कर देते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होता है। उपाय का जो रिजल्ट है वो 100% हमें देखने को मिलता है। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी चली हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही है, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि ये उपाय आप अच्छे से समझकर शनि जयंती यानी कि 19 मई के दिन कर देते हैं तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न बनी हुई हो, तत्काल उस समस्या से आपको राहत मिलेगी। शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यदि बच्चे नहीं कर पाए तो ऐसे सिचुएशन में माता-पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय जरूर करें। आजकल के बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में माता-पिता को ही अपने बच्चों के लिए जल्दी शादी के लिए उपाय करने पड़ते हैं। नमस्कार, मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एस घृत कौशिक में। कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार देरी बनी रहती है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव जहां से विशेष रूप से विवाह का विचार किया जाता है, यदि जन्म कुंडली का सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी किसी भी प्रकार से शनि के प्रभाव में आ जाए या फिर राहु केतु सूर्य मंगल जितने भी अलगाववादी ग्रह हैं उनके प्रभाव में यदि सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी आ जाए तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जा करके कोई ना कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगा। रिश्ते आएंगे लेकिन अनाप शनाप रिश्ते आएंगे। जो भी रिश्ता आपके मन के मुताबिक आएगा, आपके लेवल का आएगा, वो रिश्ता पक्का नहीं हो पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी, देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहेंगे, आपको लगेगा कि अब की बार तो सारी बातें बन जाएंगी, लेकिन अंत में सारी बातें बिगड़ जाती हैं। यदि आप इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, दुखी हो चुके हैं, तो आज चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमारे शास्त्रकारों ने हमें बहुत सारे उपाय बताए हैं। उन्हीं उपायों में से एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विवाह से रिलेटेड सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगता। यदि चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखते हैं तो ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, यदि भविष्य में ये वीडियो आप दोबारा से देखना चाहेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगी। कोई भी नई वीडियो विवाह से रिलेटेड या फिर कोई भी अन्य वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन है तुरंत आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। तो सब्सक्राइब करने में न तो कोई खर्चा लगता है, न ही कोई बहुत बड़ा प्रयास करना होता है, एक क्लिक करना होता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें खुशी होगी, आपका कुछ लगता नहीं है। तो इसलिए यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रिय दर्शकों, अब आप ये जान लीजिए कि ये उपाय आपने कब और कैसे करना है।
इस उपाय करने की विधि क्या है और कौन सी सामग्री की आवश्यकता आपको ये उपाय करने के लिए पड़ने वाली है। ये उपाय आपने ज्येष्ठ अमावस्या शनि जयंती 19 मई 2023 के दिन करना है। और कब करना है? शाम के समय करना है। शाम कितने बजे? लगभग 6 या 7 बजे के आसपास ये उपाय आप कर दीजिए, यानी कि जब सूर्य अस्त होता है, समझ रहे हैं, जब सूर्य अस्त होता है उस समय के लगभग आपने ये उपाय कर देना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वो भी आप लिख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए। एक काले रंग का कपड़ा, रुमाल के साइज का, इसकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। लगभग रुमाल के साइज का आप काले रंग का कपड़ा ले लीजिए। साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, फ्रेश कपड़ा होना चाहिए, यूज किया हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए, ताजा और नया कपड़ा होना चाहिए। ब्लैक कलर का रुमाल के साइज का एक कपड़ा आप ले लीजिए। लगभग 50 ग्राम के आसपास पीली सरसों, इसकी भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। अब बहुत सारे दर्शक सोचेंगे कि ये पीली सरसों क्या होती है, हमने तो कभी देखी नहीं। देखिए स्क्रीन पर मैंने फोटो दिखाया है, ये होती है पीली सरसों। और ये मिलेगी कहाँ? आपके आसपास कोई पंसारी की दुकान है जहाँ से हम पूजा का सामान खरीदते हैं, वहाँ पर जा करके आपको ये आसानी से मिल जाएगी। उनको बोल देना कि भाई साहब पीली सरसों दे दो, अपने आप आपको दे देंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो लगभग 50 ग्राम के आसपास पीली सरसों आपके पास होनी चाहिए और लगभग 50 ग्राम के आसपास काले तिल आपके पास होने चाहिए। काले तिल तो आप सभी समझते हैं, आपने देखे भी हैं। तो काले तिल लगभग 50 ग्राम के आसपास होने चाहिए और 50 ग्राम के आसपास काले रंग के उड़द आपके पास होने चाहिए। अब ये उड़द ही होने चाहिए, उड़द की दाल नहीं, साबुत उड़द की मैं बात कर रहा हूं। तो लगभग 50 ग्राम साबुत उड़द आपके पास होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? और आपके पास 3 सिक्के होने चाहिए। कौन कौन से 3 सिक्के? 1 सिक्का 1 रुपए का, 1 सिक्का 2 रुपए का और 1 सिक्का 5 रुपए का। ये 3 सिक्के आपके पास होने चाहिए। कौन कौन से? 1 सिक्का 1 रुपए का, 1 सिक्का 2 रुपए का और 1 सिक्का 5 रुपए का। तो ये 3 सिक्के आपके पास होने चाहिए। ये सारा सामान आपने इस काले रंग के कपड़े में रख लेना है। कौन कौन सा? 50 ग्राम के लगभग पीली सरसों, 50 ग्राम के लगभग काले तिल, 50 ग्राम के लगभग काले उड़द और ये 3 सिक्के इस काले रंग के कपड़े में आपने रख लेने हैं। उसके बाद आपने एक दीपक तैयार करना है। दीपक किस चीज़ का? आटे का दीपक। गेहूं का आटा गूंथकर उसका एक छोटा सा दीपक बना लीजिए और उस दीपक में सरसों का तेल भर लीजिए और उसके अंदर एक लंबी वाली बत्ती रख लीजिए। कॉटन की बत्ती आपने बनानी है, रुई की बत्ती आपने बनानी है और वो बत्ती उस दीपक के अंदर रख लीजिए और उस दीपक में एक चुटकी भर काले तिल भी आप रख लीजिए। जो काले रंग के कपड़े के ऊपर आपने काले तिल रखे हैं उसी में से एक चुटकी भर इस दीपक के अंदर रख लीजिए। इसके बाद ये जो काले रंग के अंदर जो भी सामान आपने रखा है तो इसकी एक पोटली बना लीजिए। ये सारा सामान काले कपड़े के अंदर ही बांध दीजिए, एक पोटली बना लीजिए। अब ये पोटली आपने जिस बच्चे की शादी में लगातार देरी चली हुई है उसके सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। कैसे घुमाना है? एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है उसके विपरीत दिशा में आपने 7 बार इस पोटली को घुमाना है। अब समस्या एक और बनेगी। कुछ माता पिता ये कहेंगे कि हमारे बच्चे तो घर में रहते ही नहीं, तो फिर हम अपने बच्चों के सिर के ऊपर से इसको 7 बार कैसे घुमाएं? तो उसका भी मैं सॉल्यूशन आपको दे देता हूं। आपने पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके अपने घर में ही बैठ जाना है और इस पोटली को अपने हाथों की जो हथेली है इनके बीच में ऐसे रख के बैठ जाना है, पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके। और मन ही मन में ऐसा महसूस करना है कि जो आपके बच्चे हैं जिसकी शादी में देरी चल रही है वो बच्चा आपके सामने ही बैठा हुआ है और आप उसके सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो मानसिक रूप से
आपने इस पोटली को अपने बच्चे के सिर के ऊपर से घुमाना है। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो बच्चे का कोई फोटो होगा घर में, तो उस फोटो के ऊपर से भी आप इसको 7 बार घुमा सकते हैं। और ये उपाय यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो खुद भी ऐसे ही अपने सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इस पोटली को घुमा लेना है। देखो मैंने सारी विधि आपको बता दी। यदि बच्चे घर में है तो बच्चों के सिर के ऊपर से, यदि बच्चे घर में नहीं है तो फिर मानसिक रूप से बच्चों के सिर के ऊपर से घुमा लीजिए पश्चिम की तरफ मुख करके। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो बच्चों का कोई भी फोटो घर में हो तो उस फोटो के ऊपर से आप इसको 7 बार एंटी क्लॉक घुमा लीजिए। और बच्चे खुद ये उपाय कर रहे हैं तो अपने सिर के ऊपर से खुद एंटी क्लॉक वाइज 7 बार इस पोटली को घुमा लेना है। उसके बाद ये दीपक और ये पोटली दोनों लेकर के पीपल के नीचे चले जाना है। किस समय जाना है? मैंने आपको पहले भी बताया था, शाम के समय, सूर्यास्त के समय, यानी कि सूर्य अस्त होता है उस समय के लगभग आपने पीपल के नीचे चले जाना है 19 मई को शनि जयंती को, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। तो ये पीपल के नीचे आपने दोनों चीज़ें लेकर के चले जाना है। सबसे पहले जा करके आपने पीपल के नीचे बैठना है। आपका मुख किस साइड होना चाहिए? पश्चिम दिशा की तरफ। पश्चिम दिशा की तरफ यानी कि सूर्य जिस दिशा में अस्त होता है उस दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। आप बैठ जाइए, सबसे पहले पीपल के नीचे बैठकर इस दीपक को जला दीजिए। दीपक को जलाने के बाद ये जो पोटली आप लेकर के गए हैं ये पोटली भी दीपक के पास ही पीपल के नीचे रख दीजिए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए। अपने मन की जो बात है वो शनि देव को बताइए। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं, आपके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपका दुख है, उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शनि देव को आपने बताना है। अपनी मनोकामना का चिंतन अपने मन ही मन में बार बार करना है और एक मंत्र का जाप आपने करना है। मंत्र बड़ा आसान है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। मंत्र क्या रहेगा? ओम प्राम प्रीम प्रोम सह सनिश्चराय नमः। एक बार और बोल देता हूं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह सनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप केवल और केवल 11 बार आपने करना है, ज्यादा बार नहीं, केवल 11 बार आप कर दीजिए। और यदि ज्यादा करना चाहते हैं तो 108 बार भी आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 बार आपने इस मंत्र का जाप जरूर करना है। ये मंत्र आपको याद हो जाएगा, यदि याद नहीं होता है तो आप लिख भी सकते हैं और देख कर भी इस मंत्र का जाप आप 11 बार कर सकते हैं। ये मंत्र का जाप करने के बाद, अपनी मनोकामना का चिंतन करने के बाद, आपकी जो भी समस्याएं हैं वो शनिदेव महाराज को बताने के बाद आपने इस पीपल की 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा पीपल की आप कर लीजिए। और यदि पीपल की परिक्रमा करना संभव नहीं है तो फिर अपनी ही जगह पर खड़े होकर क्लॉकवाइज 7 बार घूम जाइए। जैसे परिक्रमा करते हुए हम भगवान के चारों तरफ घूमते हैं, इसी प्रकार से आप अपनी ही जगह पर खड़े होकर गोल गोल 3 बार घूम जाइए। परिक्रमा करने का जो शुभ फल होता है वही आपको मिल जाएगा। और यदि संभव है तो पीपल की परिक्रमा आप कर लीजिए। तो इस प्रकार से परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़कर आपने अपने घर को चले आना है। इस प्रकार से ये उपाय करना है। प्रिय दर्शकों, ज्येष्ठ अमावस्या का दिन है, शनि जयंती है और बड़ा ही प्रभावशाली उपाय है। ये उपाय आप करोगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भगवान का सब कुछ दिया होने के बावजूद भी बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही है, कौन से ग्रह की वजह से, कौन से नक्षत्र की वजह से ये समस्या आपके बच्चों की शादी में बनी हुई है, क्यों कोई भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, क्यों कोई भी मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, यदि ये सारी समस्याएं आपके जीवन में चली हुई हैं और इसका आप समाधान चाहते हैं, बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना मुझसे चाहते हैं, तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है।
प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।